हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए सीखते हैं थर्ड मेथड हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब टीचर सिखाते हैं ना, तो वो उनका जो फॉर्मूला पूरा होता है वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पर नीचे ए वन बी वन आना है, ए टू बी टू आना है, सी टू सी टू आना है। तो बच्चे वहाँ पर कन्फ्यूजन सी लाइनिंग में हो जाते हैं, कई बार उनसे मिस्टेक भी हो जाती है करते वक्त। तो यहाँ पर मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ थोड़ा सा ट्रिकी वे, आपने उस ट्रिकी वे से ही उसको याद रख लेना है, तो वहां पर इजीली सम आपके सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे करना है। फिर वही दो इक्वेशन आ रही है हमारे पास, 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपने नेम दे देना है। अब आप ध्यान रखिएगा कि आपने इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड में जीरो बनाना है। जीरो बनाने का मतलब है कॉन्स्टेंट टर्म जो है उसको उठा के इधर ले आना है। प्लस का 9 इधर आके कितना हो गया बेटा, माइनस का हो गया, और इक्वल टू में कितना बन गया, 0। ऐसे इज इक्वल टू में जो 4 पड़ा हुआ था उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है। प्लस का इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो राइट हैंड साइड पे क्या बन गया, 0। ये जो दो इक्वेशन बनी है आपने ऐसे ही बेटा बनानी है, समझेगा नहीं मेरी बात, इनको ऐसे ही ड्रॉ करना है। इज इक्वल टू में 0 जरूर बना देना आप, स्टार्टिंग वाला पॉइंट तो ये है। कंपेयरिंग विद a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये दो इक्वेशन बड़े ध्यान से देखिए जरा, पहली इक्वेशन को पहली के साथ कंपेयर करो, पहली इक्वेशन को साथ पहली वाली के चीजों को देखिए। x का कोएफिशिएंट कितना है, a1 कितना है, 8। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन में y वाला कोएफिशिएंट देखो, b1 y, और c1 कितना है, माइनस का 9। A1, B1 और C1 की वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, ठीक है। ऐसे मैं कंपैरिजन करके A2, B2 निकालूंगा। A2 की कितनी है, 3, B2 की कितनी है, 2, और C2 की कितनी है, माइनस का 4। A1 लिख लिया मैंने 8, B1 लिख लिया 5, C1 लिख लिया माइनस का 9, A2 लिख लिया 3, B2 लिख लिया 2, और C2 लिख लिया माइनस का 4। आप ना उसके नीचे लिख लेना, लेकिन कटिंग करवाने की गलती मत करने लगते ना, जस्ट नीचे वैसे ही लिखना है, नीचे वाली लाइन में बिल्कुल प्रॉपर उसके नीचे। अपने माइंड में ना आपने वैसे ही पेपर में नहीं करना है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, पेपर में नहीं करना है इसको। ये माइंड की ट्रिक है, ये येलो सर्कल जो मैंने बनाया आपको सिखाने के लिए बनाया है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको वन जो पहला सर्कल बना हुआ है ऐसे करके, इसको वन नंबर माइंड में दे देना है। सेकेंड जो B1 और B2 वाला बना है उसको नंबर 2 बोल देना अपने माइंड में, और C1 और C2 जो है उसको अपने माइंड में नंबर 3 बोल देना। कटिंग मत करवा देना, मैं पहले बोल रहा हूँ, बच्चे बोल देते हैं सर इसकी कटिंग नहीं करवा, ये मैंने अपॉन में नहीं लिखा है बेटा, ये वैसे ही नीचे लिखा होगा उसके मैंने, ठीक है। इसको एज इट इज लिखना है, जो साइन है वैसे ही चलेंगे। 1, 2 और 3, तीन आपके सर्कल बन गए, ठीक है। अब अगली स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। आपने बेटा क्या करना है, एक्स लिख लेना है, वाई लिख लेना और वन लिख लेना है, ठीक है, और नीचे उनके ऐसे फ्रैक्शन का साइन भी बना देना, और बीच में ये जगह तोड़ देनी है थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है जी, ओके। याद रखना है ये साइड पे कॉर्नर पे मैंने लिखा हुआ है नंबर 2312, क्या लिखा हुआ है, 2312, आपने इसको याद रखना। अब 2 नंबर पे कौन सी रकम थी, वापस आते हैं, 2 नंबर पे टर्म कौन सी थी, 2 नंबर पे हमारे पास बेटा टर्म थी 5 और 2, यही थी ना, 2 नंबर पे टर्म 5 और 2 थी, मैंने यहाँ पर 5 और 2 लिख दिया। 3 नंबर पे टर्म कौन थी, माइनस का 9 और माइनस का 4, मैंने वो लिख दी। गैप में लिखनी है, जो गैप दिख रहा है ना वो देखिए, ये वाला गैप, ये गैप दिख रहा है ना आपको, यहीं पर लिखनी है, ये गैप डालना जरूरी है। फिर 1 नंबर इक्वेशन कौन सी थी, 2, 3 के बाद किसकी बारी आई, 1 की, 1 नंबर पे कौन सी थी, 8 और 3, उसके बाद किसकी बारी आई, 2 की, 2 कौन है, 5 और 2, वो आपने ये चीजें बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन भी डाल देना अपने से। अब ये मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से करनी है बेटा आपने, यहाँ पर आपने फिर तीन चीजें लिख लेनी है, x लिख लेना है, y लिख लेना है और 1 लिख लेना है। हाँ, पिछली बार जो मैंने गैप डाला हुआ था, अब गैप नहीं आएगा, अब इज इक्वल टू के साइन आ जाएंगे। अब कौन से साइन आ जाएंगे, इज इक्वल टू के साइन आ जाएंगे, ओके। अब आते हैं इनके नीचे क्या लिखना है, उनकी बारी आएगी बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये वाली चीज को जो मैं रेड कलर में साइन दिखा रहा हूँ आपको, पहले इसको सामने करना है मल्टीप्लाई। 5 को माइनस को 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और मैंने बड़ी ब्रैकेट में डाला हुआ है ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे,
मैं अगले स्टेप में इसकी सॉल्वेशन कर दूंगा। एंड सेकंड क्या है, 2 को किसके साथ करना है, माइनस 9 के साथ, वो मैंने ये वाली लिख दी। ओके, मल्टीप्लाई करूंगा अगले स्टेप में करूंगा, फिलहाल आपको ब्रैकेट बना के मैंने दिखा दिए। और बीच में साइन कौन सा रखना है, हमेशा माइनस का, ऑलवेज बीच में साइन कौन सा होगा बेटा, माइनस का होगा। मल्टीप्लाई इन दोनों वाले की पहले करनी है, ऐसे ही सेकंड में आ जाओ, ये वाली पहले आएगी, ये सामने आएगी, माइनस 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये सामने लिखेंगे, यहां पर लिखा मैंने, माइनस 4 को 8 के साथ करेंगे, ये सेकंड पार्ट में रहेगा वाई के, ये लीजिए। बीच में साइन कौन सा, माइनस का, एज इट इज ही रहना है, इसको भी नहीं मैंने छेड़ा। थर्ड क्या है, 8 को 2 के साथ, ये सामने लिख लिया, 3 को 5 के साथ, इसको सेकंड पार्ट में लिख लिया, बीच में साइन कौन सा, माइनस का। अब करते हैं सॉल्वेशन, 5 को माइनस 4 के साथ करेंगे कितना आएगा, माइनस का 20, यही आएगा ना। 2 को माइनस 9 के साथ करेंगे कितना आएगा, माइनस का 18, बाहर साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 18। समझेगा नहीं मेरी बात, मैंने दैट इज वाई बड़ी ब्रैकेट आपकी यूज की थी, साइन चेंज हो जाते हैं उसका खास ध्यान रखना है, जल्दबाजी मत करना, ब्रैकेटें वैसे ही यूज कर। ओके, माइनस 9 को 3 के साथ किया कितना आया, माइनस का 27। अच्छा, 8 को 4 के साथ करेंगे, माइनस 4 के साथ करेंगे कितना आएगा, 8 4 था माइनस का 32, बाहर माइनस का ऑलरेडी साइन है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 32। ओके, 8 2 था 16, 3 5 था 15, बिकॉज प्लस का ही रहा साइन, तो दैट इज वाई साइन चेंज नहीं हुआ, वैसे रहा। एक्स माइनस का 20 प्लस का 18 बचा एक्स के नीचे, वाई के नीचे माइनस का 27 प्लस का 32 और 1 के नीचे बचा है 16 माइनस 15। ठीक है, अगले स्टेप में हम माइनस कर लेते हैं, 18 में से 20 को माइनस किया, माइनस का 2, बड़ी रकम का साइन आएगा ना बेटा, ये देखो माइनस का 20 है प्लस का 8 है, तो बड़ी रकम कौन सी है, माइनस की, तो दैट इज वाई एक्स के नीचे माइनस का साइन रहेगा, वाई के नीचे 5 आ गया माइनस करके, और वो 16 में से 15 माइनस किए तो 1 ही आना था। जब आपकी ये तीन चीजें बन जाएं, आपने बहुत इजीली स्टेप में करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको भी थर्ड वाले के बराबर रख देना है, कांस्टेंट वाले के बराबर, फर्स्ट को भी किसके बराबर रख देना है, थर्ड वाले के बराबर, और जो सेकंड टर्म है इसको भी किसके बराबर रखना है, थर्ड वाले के बराबर, लाइन मार देनी बीच में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 ही आएगा, और माइनस 2 को 1 के साथ किया, माइनस 2, सिंपली एक्स की वैल्यू आ गई, वाई को 1 के साथ किया, वाई, और 5 को 1 के साथ किया, 1, आ गया आपके आंसर, यही आंसर आए थे आपके, एक्स की वैल्यू माइनस 2 एंड वाई की वैल्यू 5। इजी मेथड है, आराम से वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके आसानी से समझना और क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लेना, नोट करने के बाद इसको खुद अपने हाथों से एक बार अपने आप सॉल्व करना विदाउट एनी हेल्प, कोई बात नहीं, गलती हो जाएगी, लेकिन अपने आप गलती होने के बाद सही होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये मेथड करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसके बेस पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जो क्वेश्चन CBSE फाइनल पेपर्स में जरूर पूछता है। ओके, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद इसके जो सम होंगे वो हार्ड लेवल के आने वाले हैं, टफ लेवल के आने वाले हैं। ठीक है, टफ नहीं होंगे, थोड़ा ट्रिकी वैसे करेंगे, उसको कर लेंगे। ओके, नोट कर लीजिए इसको और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा। इसके लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको साथ में प्रोवाइड करवा दूंगा।